कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए शर्मीन उबैद की वालदा सबा उबैद का कहना था कि ऑस्कर अवार्ड जीतने के बाद उनकी अपनी बेटी से टेलीफोन पर बात हुई और उनकी बेटी ने अवाम की जानिब से बेहद पजीराई पर पूरी पाकिस्तानी कौम का शुक्रिया अदा किया है। उनका कहना था कि जिस दिन शर्मीन पाकिस्तान वापस आएगी एयरपोर्ट पर उसका शानदार इस्तकबाल किया जाएगा। शी आल्सो वांटेड टू नो के कैसा लगा है। हमने कहा अभी तो यकीन ही नहीं आ रहा था, सुबह पूरी रात कोई सोया नहीं फैमिली में और सब देख रहे थे। आई सेड कि बहुत अच्छा बोला और तुमने डेडिकेट किया पाकिस्तान की विमेन के ऊपर, सबसे बड़ी खुशी की बात तो यही है। शर्मीन उबैद की बहनों का कहना था कि उन्हें अपनी बहन पर फख्र है और जिस मसले को शर्मीन ने अपनी डॉक्यूमेंट्री में उठाया है उस पर पूरी दुनिया को तवज्जो देने की जरूरत है। खबर आ गया एकेडमी अवार्ड इज अपनी लीग, आई मीन इससे ऊपर तो कोई जा ही नहीं सकता। And inshallah, this is just the first. इस डॉक्यूमेंट्री की अक्सबंदी करने वाले असद फारूकी का कहना था कि इस फिल्म के लिए पूरी टीम पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में गई है और इसे मुकम्मल करने में 1.5 साल का अरसा लगा है। मतलब ऑस्कर तक पहुंचना जो है वो इतना आसान नहीं होता, वो जो लोग सालों साल काम करते हैं एक बड़ी इंडस्ट्री में, पाकिस्तान में होते हुए यहीं से सीखते हुए और यहीं के लोगों के साथ काम करके, मतलब एक बहुत बड़ा जो है अचीवमेंट है इस चीज को वहाँ तक पहुँचाना। शर्मीन उबैद ने अवार्ड जीतने के बाद कौम को पैगाम दिया है कि वो अपने जज्बात को अल्फाज में बयान नहीं कर सकती, उन्होंने जो ख्वाब देखा था वो सच हो गया है। कैमरामैन कयूम शेख के साथ कैन खान, दुनिया न्यूज़, कराची।